दोस्तों, क्या आपने भारत में स्थित एक ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जिसके रहस्यों को आज तक नासा के वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए? क्योंकि हमारी पृथ्वी पर सिर्फ 3 ऐसी जगह है जहां पर कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, और उन 3 जगहों में से एक हमारे भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है जिसका नाम है कसार देवी मंदिर। दोस्तों, इस जगह पर कुछ ऐसे अद्भुत घटनाएं घटती है जिसके बारे में खुद स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था। आखिर क्या है इसका रहस्य और आखिर क्यों ये मंदिर नासा के साइंटिस्टों के शोध का केंद्र है? इन सभी बातों को जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, ये वीडियो और भी खास इसीलिए है क्योंकि हमने खुद इस जगह का दौरा किया और यहाँ के रहस्यों को अपनी आंखों से देखा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस स्थान से जुड़े पौराणिक मान्यताओं के बारे में। उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले के निकट कसार देवी एक गांव है जो अल्मोड़ा क्षेत्र से 8 किलोमीटर की दूरी पर कश्यप पर्वत पर स्थित है। ये स्थान कसार देवी मंदिर के कारण प्रसिद्ध है। माँ कसार देवी की शक्तियों का एहसास इस स्थान के कण कण में होता है। कसार देवी मंदिर में माँ दुर्गा साक्षात प्रकट हुई थी। ये वही स्थान है जहाँ माँ दुर्गा ने शुंभ निशुंभ नामक 2 राक्षसों का वध किया था। चलिए अब बात करते हैं इस मंदिर ने आखिर क्यों नासा के वैज्ञानिकों की नींद उड़ा रखी है। दोस्तों, कसार देवी मंदिर के आसपास वाला पूरा क्षेत्र वैन एलिन बेल्ट है जहां धरती के भीतर विशाल भू चुंबकीय पिंड है। इस पिंड में विद्युतीय चार्ज करणों की परत होती है जिसे रेडिएशन भी कह सकते हैं। पिछले कई साल से नासा के वैज्ञानिक इस बेल्ट के बनने के कारणों को जानने में जुटे हैं। इस वैज्ञानिक अध्ययन में ये भी पता लगाया जा रहा है कि मानव मस्तिष्क या प्रकृति पर इस चुंबकीय पिंड का क्या असर पड़ता है। अब तक हुए इस अध्ययन में पाया गया कि अल्मोड़ा स्थित कसार देवी मंदिर और दक्षिण अमेरिका के पेरू स्थित माचू पिचू व इंग्लैंड के स्टोनहेंज में अद्भुत समानताएं हैं। इन तीनों जगहों पर चुंबकीय शक्ति का विशेष पुंज है। डॉक्टर रावत ने भी अपने शोध में इन तीनों स्थलों को चुंबकीय रूप से चार्ज पाया है। उन्होंने बताया कि कसार देवी मंदिर के आसपास इसी तरह की शक्ति निहित है। चलिए अब बात करते हैं कि कसार देवी मंदिर के बारे में स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा था। स्वामी विवेकानंद जी 1890 में ध्यान के लिए कुछ महीनों के लिए यहाँ पर आए थे। उन्हें यहाँ पर विशेष ज्ञान की अनुभूति हुई थी। उन्होंने कहा था कि ये वो पवित्र स्थान है जहाँ भारत का प्रत्येक सच्चा धर्म पिपासु व्यक्ति अपने जीवन का अंतिम काल बिताने को इच्छुक रहता है। ये वही भूमि है जहाँ निवास करने की कल्पना मैं अपने बाल्यकाल से ही कर रहा हूँ। मेरे मन में इस समय हिमालय में एक केंद्र स्थापित करने का विचार है। इसके बाद 1916 में स्वामी विवेकानंद जी के शिष्य स्वामी तुरियानंद और स्वामी शिवानंद ने अल्मोड़ा में ब्राइटन कॉर्नर पर एक केंद्र की स्थापना कराई जो आज रामकृष्ण कुटीर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस मंदिर की अगर बात करें तो इस मंदिर में आने वाला कोई भी व्यक्ति कभी खाली हाथ आज तक नहीं लौटा। इस जगह में कुदरत की खूबसूरती के दर्शन तो होते ही है, साथ ही मानसिक शांति भी महसूस होती है। ये स्थान ध्यान और योग करने के लिए बहुत ही उचित है। यहाँ आकर श्रद्धालु असीम मानसिक शांति का अनुभव करते हैं। अब बात करते हैं कि जब हमने इस मंदिर का दौरा किया तो हमने क्या क्या अनुभव किया। सबसे पहले तो ऊपर कही गई सारी बातें बिल्कुल सच है। इस मंदिर के आसपास के किसी भी पत्थर पर अगर आप जाकर बैठ जाते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं तो तुरंत ही आपका मन और चित्त शांत हो जाएगा और आपको ऐसा अनुभव होगा कि आप बस यहीं पर बैठे ही रहे। दोस्तों, अगर आप इस जगह का पूरा व्लॉग देखना चाहते हैं जो हमने आप सभी के लिए खुद जाकर शूट किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उसे जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल अद्भुत टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप, जल्दी मिलता हूं आप सभी के साथ एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।